हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल कमल एकेडमी कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखते हैं आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं। आइए, नाउ वी विल लर्न अबाउट मल्टीप्लाई बाय शॉर्ट मेथड। ओके, जब डेसिमल का मल्टीप्लाई हम सीख रहे हैं तो 63.8 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, इसमें आपको जब 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लीकेशन होता है तो आपको सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वन आप उसको जीरो ना माने वन माने तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, सेम आंसर। बस आपका जो तो डेसिमल है वो ही मूव करेगा, बाकी आंसर तो सेम आएगा। ओके, अब 63.8 मल्टीप्लाई बाय 10। अब जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10th में एक जीरो, आप ये याद करके रख लो कि 10 में एक जीरो है तो ये ए प्लेस इधर राइट में डेसिमल मूव कर जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा 6, 3, 8। अब 8 के बाद कोई नंबर नहीं है तो लास्ट में डेसिमल नहीं लगता है। ओके, अब नेक्स्ट है 6.38 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल कितनी प्लेस मूव करेगा, 2 प्लेस। 100 में 2 जीरो है, आप इसे आप याद कर लीजिए, 2 प्लेस मूव किया तो आंसर इसमें भी आया 638 क्योंकि लास्ट में डेसिमल नहीं लगता है। नेक्स्ट है आपका 63.8 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब 100 से करना है तो ये डेसिमल कितना क्या करेगा, 2 प्लेस मूव करेगा, लेकिन आपके पास 1 प्लेस ही है, लेकिन आपके पास 1 प्लेस ही है तो आप क्या करोगे, 6, 3, 8 और एक लास्ट में एक जीरो बढ़ा दोगे। एक आपके डिजिट कम है क्योंकि 2 प्लेस मूव होता है तो आप क्या करोगे, लास्ट में एक जीरो बढ़ा के आपने यहाँ पर आपका 2 प्लेस हो गया। नेक्स्ट है 63.67.3 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कितने प्लेस मूव करेगा, 3 प्लेस। अब इसमें तो 1 प्लेस ही है, 2 प्लेस कम है तो आप क्या करेंगे, 6, 7, 3 इसके बाद 20 एड ऑन कर देंगे तो ये 3 प्लेस राइट साइड में मूव कर, मल्टीप्लाई में डेसिमल जो है वो राइट साइड मूव करता है और डिवाइड में जो आपका डेसिमल है वो लेफ्ट साइड मूव करता है, बाकी मेथड दोनों में सेम है। अब है 75.23 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये डेसिमल जो है 10 से करना है तो 1 प्लेस मूव करेगा राइट में, ये डेसिमल आफ्टर 2 आ गया, 752 डेसिमल 3। अब 7.78 मल्टीप्लाई बाय कितना है, 1000। ओके, अब 1000 में कितने प्लेस मूव करेगा, 3 प्लेस। तो अब आपके इसमें 2 प्लेस हैं तो 3 प्लेस करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा और लास्ट में आप इतना याद रखिए कि लास्ट में कभी भी डेसिमल नहीं लग रहा है। अगर लास्ट में डेसिमल आ रहा है तो आप उसको होल नंबर में ही उसका आंसर दे देंगे, बाकी आपका मैंने बताया कि मल्टीप्लाई शॉर्ट मेथड से है, जो डिजिट है वन से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आंसर आएगा, लेकिन बस आपका डेसिमल जो है वो अपनी प्लेस से मूव करेगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड 1 प्लेस, 100 से करेंगे तो राइट हैंड साइड 2 प्लेस और 1000 से करेंगे तो राइट हैंड साइड 3 प्लेस डेसिमल मूव कर दिया जाएगा, बाकी रेस्ट इज द आंसर इज द सेम। और ये याद रखिए कि लास्ट में कभी भी डेसिमल नहीं लगता है। और दूसरी बात ये याद रखिए कि अगर यहाँ पर प्लेस आपकी कम है, आपको 3 प्लेस मूव करना था, इसमें 2 ही प्लेस है तो आप एक जीरो बाद में ऐड करके 3 प्लेस को मूव कर देंगे। ओके, इज इट क्लियर?
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, डेसिमल का मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे। इसमें आपने आपको टू मेथड्स दिए हैं। एक तो केवल हमने मल्टीप्लिकेट में डेसिमल है इसमें, और इसमें मल्टीप्लिकेट और मल्टीप्लायर दोनों में डेसिमल है, है ना। आप इसको कैसे करेंगे, देखिए सिंपल, पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 7 28 8 कैरी गया 2, 4 2 8 + 2 10 0 कैरी लगा 1, 4 7 28 और 1 29। आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया है, अब आपको डेसिमल लगाना, क्योंकि डेसिमल ही मेन है, तो आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन का सम हो जाएगा। डेसिमल अगर आपका राइट प्लेस में लग रहा है तभी आपका सम राइट माना जाएगा, अगर आपने डेसिमल गलत कर दिया तो योर सम इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन कौन सा कर रहे हो, डेसिमल का। डेसिमल में ही अगर आपने डेसिमल को गलत लगा दिया आपका आंसर गलत माना जाएगा, बिल्कुल जीरो नंबर मिलेंगे। ओके, अब आपको इसमें केवल मल्टीप्लिकेंट में डेसिमल है तो आप इसको काउंट करो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2। यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो आप राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा दीजिए। ओके, अब 82.34 मल्टीप्लाई बाय 9, ये भी वही सिंपल है, इसमें भी केवल मल्टीप्लिकेट में डेसिमल है और मल्टीप्लायर में डेसिमल नहीं है। तो अब इसको सिंपल आप करिए, पहले 9 4 36 6 कैरी लगा 3, 9 3 27 और 3 30 की 0 कैरी लगा 3, 9 2 18 और 3 21, 9 8 72 और प्लस 2 74। ओके, आपका ये सॉल्यूशन हो गया, सिंपल आपका मल्टीप्लाई हुआ। अब आपको मेन काम क्या करना है, डेसिमल लगाना है। कहाँ लगेगा आपका डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो आप राइट हैंड साइड से आफ्टर 2 डिजिट यहाँ डेसिमल लगा दीजिए। जितने भी आप डेसिमल के बाद डिजिट होती हैं, और आपको काउंट कहाँ से करना है, राइट हैंड साइड से। 2 डिजिट इधर है तो आपका 2 डिजिट के बाद आप यहाँ पर एक डेसिमल लगा। ओके, अब इसमें क्या है, आपका मल्टीप्लिकेंट में भी डेसिमल है और मल्टीप्लायर में भी डेसिमल है। अब इसको आपको सीखना है। अब आप क्या करेंगे, पहले तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करो, कहीं भी आपको डेसिमल पॉइंट आउट नहीं करना है। जैसे एडिशन में डेसिमल दीजिए डेसिमल, या सब्ट्रैक्शन में डेसिमल दीजिए डेसिमल, लगा वहीं आपने डेसिमल लगा दिया। लेकिन इसमें भी आपको आफ्टर सॉल्यूशन तब आपको डेसिमल पुट आउट करना है। ओके, अब आपने 3 से आपने पहले इसको आप सिंपल आ समझ लीजिए कि आपका सिंपल मल्टीप्लाई का समय है, तो पहले आप वंस का नंबर लेंगे 3। 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, 3 4 12 की 2 कैरी गया 1, 3 3 9 और 1 10 0 कैरी गया 1, 3 7 21 और 1 22। अब ये टेंस का नंबर है, वंस की जगह पर आपने क्रॉस लगा दिया, अब टेंस का नंबर टेंस की प्लेस से स्टार्ट होगा। अब 8 4 8 4 32 की 2 कैरी गया 3, 8 3 24 24 और 3 27 कैरी गया 2, 8 7 56 56 + 2 58। अब आपको वही सिंपल जैसे ऐड करना है, 2 2 9। अब मेन चीज आपकी आ रही है कि आपको डेसिमल कहाँ पुट करना है। ओके, आप इसमें देखिए आपके मल्टीप्लायर के बाद, मल्टीप्लिकेंट के बाद, सॉरी, कितने डेसिमल में डिजिट है, 2। मल्टीप्लायर में कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद, 1। आफ्टर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2। अब 2 और 1 को आपको क्या करना है, एड ऑन करना है, 2 + 1 3। अब 3 डिजिट के बाद यहाँ
आंसर में आप वंस टेंस हंड्रेड सॉरी राइट से आपने थ्री डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, अब आपका सम। ओके, पहले आप डेसिमल नहीं लगाओगे, डेसिमल आप पूरा सम करने के बाद टू डिजिट में है थ्री डिजिट में है पूरा सॉल्यूशन कर लोगे, उसके बाद जब आपका ये आंसर आ जाएगा तब आपको डेसिमल लगाना है, और आपको दोनों के आपके डेसिमल कितने डिजिट हैं वो पहले देखने हैं। इसमें डेसिमल मल्टीप्लिकेंड में डेसिमल के बाद टू डिजिट है, मल्टीप्लायर में डेसिमल के बाद वन डिजिट है, तो दोनों को प्लस करना है, टू प्लस वन थ्री, और राइट हैंड साइड से थ्री डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगा देना। योर सम इज ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन?